और बच्चों का हेल्थ अपडेट दिया है। दरअसल रंभा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया है। रंभा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैं अपने सभी फैंस, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए प्रार्थना की और जल्द ठीक होने की दुआएं मांगी। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है उससे मेरा दिल भर गया है। वहीं लंबे अरसे बाद अपने फैंस और उनके प्यार को देखकर रंभा ने ये भी कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी मुझे याद करते हैं और अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही रंभा अपने बच्चों को लेकर स्कूल से लौट रही थी। वहीं गाड़ी में बच्चों की आया भी बैठी थी, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अपने एक्सीडेंट की जानकारी रंभा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी थी। तब एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस से ये अपील की थी कि वो उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। गौरतलब है कि रंभा ने 90 के दशक में कई हिट फिल्में दी हैं। रंभा ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तब वो सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने सलमान के साथ जुड़वा और बंधन जैसी फिल्में की, तो वहीं कॉमेडी सुपरस्टार गोविंदा के साथ बेटी नंबर 1 क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में काम किया। इन फिल्मों में रंभा का काम खूब पसंद किया गया। इंडस्ट्री में उन्हें दिवंगत दिव्या भारती की हमशक्ल भी कहा जाता था। रंभा ने बॉलीवुड के अलावा साउथ में भी काम किया है। वो रजनीकांत, सलमान खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, कमल हसन, गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। हालांकि करियर के पीक पर पहुंचने के बाद रंभा ने कनाडा के बिजनेसमैन इंदर कुमार से शादी कर ली थी और कनाडा में ही बस गई थी। अब वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। एक्ट्रेस की 2 बेटियां हैं जिनका नाम है लियाना और साशा, और एक बेटा है जो है शिविन। फिलहाल वो मुंबई से दूर कनाडा में घर गृहस्थी संभाल रही है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। वो काफी वक्त से फिल्मों में नजर नहीं आई है। उन्हें आखिरी बार मलयाली फिल्म स्टार में देखा गया था जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। भले ही वो लाइमलाइट से दूर हो लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपनी और अपने फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।